का ढक्कन ले आएंगे, तो स्टील का नीचे वाला खाना है, जो दो दो पड़तों वाला खाना नहीं है सामने। क्या कह रहे हो मोहित, बराबर किए आगे कहाँ किए? आपकी ना लाइनें गलत है मोहित, दिमाग खराब है आपका। ये आपको मैं स्टैंड करके दिखाऊंगा। नहीं आप ये हड्डी के अंदर चाबी मोहित बचा नहीं है, आप यहाँ से ना तशरीफ ले जाएं इससे पहले कि आपको उल्टा काम करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपनी YouTube फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपके दस्तखान अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें जी। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए, और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से रेड बटन को दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं जी। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये मैं इफ्तार के टाइम मैंने शूट किया था, गैस हमारी जी चली गई है, तो मैं बड़ी वो हो गई कि अब क्या करूँ, क्योंकि मैं बड़ी ईजी थी कि काम शॉर्ट्स हैं आज तो जल्दी हो जाएगा। मैंने चीनी शीनी आज बच्चे कह रहे थे बस नींबू पानी सिंपल होना चाहिए, तो नींबू पानी बन रहा है, साथ गैस देख रही हूँ नहीं आ रही, तो मैं सोच रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि सिलेंडर भाई किस काम आएगा, सिलेंडर ही तो हमारे काफ़ी दिनों से मैं चला रही थी, लेकिन ये कि कुछ हमसायों ने हम पे ज़रा हमसाया जैसे कहते हैं ना भाईचारा हमारा कायम हुआ नया नया, तो उन्होंने हमें गैस गिफ्ट के तौर पे दी है। देखिए जी आजकल गिफ्ट कैसे दिए जाते हैं, गैस हमें गिफ्ट के तौर पे मिली है, अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत सारी आसानियां करें और हमारे लिए भी जी। जो रमज़ान आगे जा रहा है तो बाकी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें जो साल भर हम नहीं खाते थे ना, वो हम जो रमज़ान में खाना शुरू हो गए थे अब जाके उनका एंड हो गया है। किसी का दिल नहीं करता समोसे पकोड़े खाने को आजकल, हम सिंपल बस अच्छी सी फ्रूट चाट होनी चाहिए और साथ में सालन रोटी जो भी है, तो बीच में बस हम कोई बच्चा हमारे घर में है मतलब एक आयजा, तो उसके लिए इसके पापा ले आते हैं कोई रोल शोल या कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़, ताकि वो कहती है बच्चों को आदत होगी ना टेबल पे देखने की कि पकोड़े पड़े हैं समोसे पड़े हैं इस तरह की चीज़ें, तो बच्चे समझते हैं अगर टेबल पे सिर्फ फ्रूट चाट दही बेले और समोसे होते हैं ना तो मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें इतनी चीज़ें बेटा जी, तो बच्चे समझते हैं जितने टेबल भरे होंगे, लेकिन एंड टाइम पे मैं मोइस तो बिल्कुल भी उसको अपनी स्किन का बड़ा ख्याल होता है, मामा दाने निकल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि चलो ठीक है जी, एंड पे हम लोगों की ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद है, बस 10 रोज़ों का शौक होता है, क्योंकि वैसे भी पूरा साल कौन सा ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा रूटीन में होती हैं, कभी कभार होती हैं, लेकिन रमज़ान में तो हम बस कहते हैं कि रोज़ा रखा हो दुनिया जहाँ की चीज़ टेबल पे हो, लेकिन हेल्थ के हिसाब से जो चीज़ हमारे सूट करे जो हेल्दी हो वही रखना चाहिए, लेकिन ये कि बस भूल जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो अब मैं आयजा से अफ्तारी की चीज़ें रखवा रही हूँ और ये बन गया जी मैं अब्दुल मोइस के लिए मिल्क शेक, आजकल वो खजूर का मिल्क शेक पी रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, वो थे टिक्का थे, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ना कढ़ाई सी बना लेती हूँ और हमारा अफ्तार की तैयारी हो जाएगी। इधर मोहित नमक चेक करो जरा,
अच्छा याद आ गया रोजा आपको पता कभी नहीं। अच्छा मेरे व्यूवर्स बड़ा मिस कर रहे थे अब्दुल मोहित नासिर को। बस आप जल्दी से दे दें, आप मेरे पैनिंग से बोले हो आप बेटी का मैसेज याद मम्मी पैनिंग वाला कितने थोड़ा सा दूर दें बोलते आगे तीन बार ना अभी लिखते हैं थोड़ा जनाब अफ्तारी का टाइम हो गया, हम लोग दवा शा करते हैं अफ्तारी करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।